पौड़ी में उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के बैनर तले गेट मीटिंग की बैठक की गई। बैठक शिक्षा विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास और आयुक्त गढ़वाल मंडल कार्यालय में की, जिसमें मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के 21 सूत्रीय मांगों के बारे में जानकारी देकर शत प्रतिशत भागीदारी निभाने के साथ आंदोलन को सफल बनाने की अपील की गई। गेट मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई। पदाधिकारी ने बताया कि आगामी 30 नवंबर तक सभी मिनिस्ट्रियल कर्मी काली पट्टी बांधकर कार्यों में लंबित मांगों को लेकर विरोध करेंगे। यदि सरकार मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन जारी रहेगा। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। और दूसरी बात, जो सरकार के द्वारा बार बार कर्मचारियों को छला जा रहा है और कई क्रम में वार्ता हो चुकी है शासन स्तर पर, सरकार कर्मचारियों को एक छलावा के तहत एक समिति गठित करती है और उस समिति के तहत समिति पे समिति गठित करके मांगों को ठंडे बस्ते में डाल देती है। यदि आज प्रांत नेतृत्व ने के आदेश पे आज हमें 15 से और 30 तक जो हमारा काली पीती बांध के सरकार के प्रति विरोध दर्ज करना है उसको लगातार हम कम से कम दो या दो ढाई वर्ष से बहुत लंबित है और इसमें हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी, हमारे माननीय प्रांतीय अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल जी, मुकेश भावड़ा जी हमारे महासचिव हैं, उनके द्वारा बार बार जो है शासन में इस बारे में चर्चा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी वार्ता हुई है लेकिन इतना समय व्यतीत होने के बाद भी आज तक भी 21 सूत्र जो हमारे मांगे हैं, मुख्य तौर पर जो पेंशन का मामला है, शिथिलीकरण का मामला है, इन मांगों का आज तक भी जो कि सकारात्मक पहलू इनका द्वारा शासन द्वारा नहीं दिखाया है।